ऐसा होता है जब काफ़ी सारे ट्रैवलर एक जगह पे मिल जाते हैं तो बकचोदी करने के लिए काफ़ी लोग हो जाते हैं। खाना एक को होगा लेकिन सारे जाएंगे नहीं। यहाँ पे जब अभी तो इंटरनेशनल फ्लाइट चल नहीं रहा, यहाँ पे फॉरनर्स बहुत रहते हैं आके। अब आजकल फॉरनर हम ही हैं, अपनी कंट्री में ट्रैवल करना मुश्किल है। मान ले ये होती है सबसे ज्यादा मुश्किल वाली चीज जो एक राइडिंग में होती है। इसको कम से कम आज आधा घंटा तो लग गया भाई। नहीं, 42 मिनट्स लगे हैं भाई। 42 मिनट्स मतलब इसको लगाने में लग गए हैं। प्रो बन जाएंगे तो जल्दी करेंगे थोड़ा, पर हाँ इसमें टाइम लगता है भाई पूरी राजगद्दी बनाने के लिए। ये हमारे बैग पैक पूरे कवर्ड ताकि मिट्टी ना जाए। टैंक बैग गद्दी एक अलग से टैंक बैग जोड़ा हुआ है। बस अब चलते हैं पुष्कर, लेट्स गो। पुष्कर के मीटर जीरो नहीं किया, 40 किलोमीटर हमने सिटी में सिर्फ 40 किलोमीटर राइड किए। पहले हम मीटर ज़ीरो करेंगे, बी को ज़ीरो कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से पुष्कर कितना किलोमीटर है। दिन के बज रहे हैं 12:52, मतलब लगभग 1 बजे। हाईवे ऐसे हैं जिनमें टोल है। अरे भाई ये कितना ऊपर, अरे भाई मेरे टॉपर तोड़ दोगे सालों, टॉपर तोड़ दोगे। पुष्कर सिर्फ यहाँ से अब 50 या 60 किलोमीटर रह गया स्ट्रेटली। अभी मैंने 1.5 घंटा ड्राइव की है, आज इतनी थकावट नहीं हो रही ड्राइव करने में, पर सामान मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया है मेरे पीछे। हैवी मतलब बैग जो है मेरे पीछे हैवी हो गया थोड़ा सा। वो क्या कुत्तों की तरह खाना खा रहे हो, जैसे पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं मिला मुझे। अब यहाँ पे हर चीज़ में लाल मिर्च, जयपुर की खास बात है लाल मिर्च, और इनमें मिर्च भी नहीं होती। पता नहीं ये सारी मिर्च में होगी कि नहीं होगी। पागल है तो बहन चू तो भाई मुझे पता नहीं।
भाई ढाबे के पे खाना खाने का ना एक सबसे बड़ा उसूल है, हमेशा लाइट खाना खाओ, मिर्च मसाला होगा नहीं। अगर रास्ते में कोई गाड़ी में जा रहा है ना तो एयर फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लाइट खाना खाओ ढाबे पे, हल्का खाना खा के चलो। राइड पे तो मैं खाना ही नहीं खा पाता, क्योंकि अगर ज़्यादा खाना खाया तो नींद आएगी, और अगर पेट खराब हो गया तो नींद गया उसके बाद तो सब कुछ आएगा। पुष्कर जाने के लिए दूसरा वे ले रहे हैं। एक तो पता नहीं गूगल कौन से गांव में घुसेड़ देता है हमें। लाउडू एक नंबर का गूगल, लाउडू। कहाँ जाना है दिखाइयो। ये तो उधर ही दिखा रहा है, पूछना पड़ेगा अब किसी से। हाँ मुस्टैच यहीं पे है, कितना ऊपर है नहीं, ठीक है अभी और आगे कर दूंगा, सामान उतर जाए ना। गाइज हम लोग पहुँचे हैं मुस्ताज हॉस्टल, और यहाँ का मुकुल जो है पहले ही शॉट में बंदा बहुत कोऑपरेटिव, मेरी बाइक ऊपर लेके खुद लगा रहे भाई। ये इसने ना, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट लगेगी लगेगी, इंडिकेटर लग जाएगा, इंडिकेटर जाएगा यार। हॉस्टल तो बड़ा प्यारा है यार, और मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में हॉस्टल में रुक रहा हूँ। 8 बेड वाला डॉग, हाँ जो 200 का पड़े, 1 बेड। कितने दिन के लिए बताओ? कल और परसों, मतलब आज और कल, सॉरी। मेरी पर्सनालिटी को ये बंदा सिर्फ सूट करता है। सो हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित अगेन, रोहित डार्क राइडर, एंड मैं हूँ इस टाइम पे पुष्कर के, और ये है जो जितना भी आपने यहाँ देखा ये है मेरा हॉस्टल, मतलब मेरा नहीं किसी और का हॉस्टल है, पर मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ। तो ये मैंने हॉस्टल लिया है, और ये पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का पर बेड। और वाइब्स देख रहे हो आप, वाइब्स देख रहे हो, बहुत मस्त वाइब्स है। ये है चिलिंग एरिया, और ये है पूरा हॉस्टल, इसके अंदर एक पेड़ भी है, हॉस्टल के अंदर पेड़ है भाई, थोड़ी प्यारी है यार। ये है डॉम, ऊपर बेड नीचे बेड, ऊपर बेड नीचे बेड, वो संध्या सो रही है। ये मेरा बेड है, यहाँ पे मेरा फ़ोन और कैमरा चार्ज हो रहा है। लाइट ऑन करके दिखा देते हैं, ये है लाइट, जैकेट वहाँ पड़ी हुई है, टैंक बैग, और यहाँ सामान मैंने सारा पैक कर दिया है, मतलब अंदर डाल दिया है। अभी थोड़ा चिल आउट करेंगे, रिलैक्स, और यहाँ की वाइब्स लेंगे जो बड़ी मस्त आ रही है। पूरा हॉस्टल घूम के आऊँगा मैं, तू बैठ, मैं तो जा रहा हूँ हॉस्टल घूमने। हे बेबी, अरे 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 कहाँ जा रही हो? वाईफाई का क्या बताया था? हे बेबी, अरे इसके पास मत जाना। पुष्कर आओ, तुम मुस्ताज में जरूर रहना,
वाइफ्स बड़ी प्यारी है। स्टे के बाद पता चलेगा कि कैसा है कैसा था एक्सपीरियंस, बट वाइफ्स बहुत प्यारी है, यहाँ जरूर रहना। हाय रोहित, देखिए क्या लिखा है, बिवर ऑफ मंकीज, मंकीज मे टर्न आउट लाइक यू। कौन है, यहीं रह जाते वापस मत चल, तुझे यहीं छोड़ के चल जाते, वैसे भी सामान कम हो जाएगा, पेट्रोल भी ज़्यादा मेरा यूज होगा। Be reinstituting prima nocta. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. From Jaipur. Yeah, Assam से है। कौन आसाम? ये क्या नाम है अपना, अर्पित करके जो रश्मि वाला बंदा है। वो नहीं, अलवर से नहीं है वो? ये अलवर से है। अच्छा, वो पढ़ा बहुत अच्छा, बैंगलोर में भी पढ़ा हो। ऐसा होता है जब काफ़ी सारे ट्रैवलर एक जगह पे मिल जाते हैं तो बकचोदी करने के लिए काफ़ी लोग हो जाते हैं। खाना एक को होगा लेकिन सारे जाएंगे। नहीं यहाँ पे जब अभी तो इंटरनेशनल फ्लाइट चल नहीं रहा है, यहाँ पे फॉरनर्स बहुत रहते हैं आके, बहुत भरा रहता है ये और उदयपुर। हाँ, ये और उदयपुर, अब आजकल फॉरनर हम ही हैं, अपनी कंट्री में ट्रैवल करना मुश्किल है। मान ले फॉरनर्स हॉस्टल में ही रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा कंजूस होते हैं। वो नहीं यार, लेकिन नहीं, बट उनका तो कल्चर है ना, हमारी तो फैमिली एक जिला घोषित हो जाए, इतनी फैमिली होती है हमारी। निकला हूँ, निकले मैं केदारगंज ट्रैक करके आया। केदारगंज ट्रैक करने के बाद देहरादून से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से कसौल गए, कसौल से तूश, तूश से वापस दिल्ली, दिल्ली घूमा दो दिन। दो दिन दिल्ली घूमने के बाद गुड़गांव में मेरा फ्रेंड था, वहाँ रुका दो दिन, वहाँ से फिर उदयपुर अभी दो दिन, यहाँ पे एक दिन का था, यहाँ पाँच दिन हुए। एक घंटे का था, एक घंटे का था भाई का, यहाँ पे एक घंटे का ट्रिप था लेकिन वो अब पाँच दिन का हो चुका है। क्या खाया जाए, वेजी है, वेजी है। ये तो बहुत बड़ा है, अबे इतना बड़ा कौन खाएगा। वो रिफ्लेक्ट किया है, हमारा इधर है। अरे नहीं, हमारा इधर है। अरे आपके येलो है ब्रो, येलो वो हुआ ना, वाइट ही है ना, ये सेम ही तू अपना गोल कर दे। मैंने किया अभी, बहुत अच्छा गोल था। सो गाइस, आज का व्लॉग होता है यही खत्म। काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के बज रहे हैं 12:30। दिन बहुत लंबा था, लंबा इसलिए था क्योंकि बहुत एंजॉय किया। शाम को यहाँ पे जितने भी बैकपैकर्स थे, हॉस्टल में जाने के बाद अच्छा फायदा ये है, यहाँ पे बैकपैकर्स मिल जाते हैं, अपने साथ ट्रैवल करने वाले एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं और आप भी उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा दिन गया, कल भी यहीं पर रहना है, देखते हैं कल क्या क्या करेंगे, नई चीज़ें दिखाएंगे आपको व्लॉग में और कुछ अनडिस्कवर्ड डिस्कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और घंटा भी दबा देना। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कीप ट्रैवलिंग, लिव योर लाइफ।